ठीक है, एक बार डाउट देखते हैं। वेरी गुड इवनिंग। कह रहे हो डाउट पहले लेना है, डाउट बता दीजिए कौन कौन सा है पहले एक बार। एक क्वेश्चन नंबर 10, काफी बच्चों का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में क्या है एक बार क्वेश्चन 10 और 12 में डाउट है आप लोगों का। टेन 11 12 था क्या, देख लेते हैं 10 11 12 में क्या डाउट है। टेन में कह रहे हो, इसका वीडियो डाला हुआ तो है? नहीं है, उसमें 10 का वीडियो नहीं है, सिर्फ 6 का है। एक क्वेश्चन आपने बताया, इलेवन में क्या डाउट था आपका? चलिए लेते हैं डाउट फिर। फिर डाउट ही लेना है आज। 10 क्वेश्चन ना पहले चलिए। देख लेते हैं जो डाउट है, पहले डाउट सॉर्ट आउट कर लेते हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 10, कितने बच्चों का 10 में डाउट है बताइए एक बार। साक्षी का 10 में डाउट, और देखते हैं श्वेता का भी 10 में डाउट है, सचिन का यस ठीक है, पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, जिसने कर लिया है वो भी ध्यान दे। एसएस लिमिटेड है एक, अपॉइंट यू एज अ फाइनेंस मैनेजर, आपको कहा कि आप फाइनेंस मैनेजर हो। द कंपनी वांट इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ विच 30 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, रिक्वायर्ड टू बी रेज फ्रॉम मार्केट मीन फाइनेंस प्रोजेक्ट, यानी 30 लाख रुपए की जरूरत है। द फर्म फॉलोइंग प्लान्स, कहता है सर ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन प्लान 1 है एक आपके पास, प्लान बी है आपके पास, प्लान सी है, और ये 2 ऑप्शन गिवन है आपको। कहता है कि प्लान 1, प्लान बी, प्लान सी, ऑप्शन नंबर 1 माने आप तो 30 जो आपका ये नंबर ऑफ 1000 में है, ये यानी 30 है यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है इक्विटी शेयर इशू कर दें 30,000 और 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर होगा, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 30,000 10, वो देख लेते हैं आगे क्या कहता है। दूसरे ऑप्शन में कहता है कि आप 15, 20 और 10 इक्विटी इशू करें, और यहाँ पे कहता है कि 10,000 आप प्रेफरेंस शेयर इशू करें और 10,000 प्रेफरेंस शेयर, और तीसरे में कहता है डिबेंचर इशू कर दें। अलग अलग अपना प्लान ये है। आगे कहता है अज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स 35% एंड द फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर एंड डिबेंचर इज टू बी ट्रीटेड एज 100, कैलकुलेट द डिफरेंट इन आपका इंडिफरेंस पॉइंट एंड अर्निंग पर शेयर EPS each of the financial plan which should be accepted। तो देखो यहाँ पे बड़े सारे प्लान बन जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक प्लान पूरा करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जिसके अंदर सारा इंडिफरेंस पॉइंट भी और सारी चीजें। तो सबसे पहले EPS निकाल लेते हैं। EPS निकालने के बाद थोड़ा काम क्या हो जाता है हमारा आसान, तो EPS निकालते हैं। तीन प्लान के हिसाब से ऑप्शन वन ऑप्ट कर रहा हूं मैं। तीनों प्लान में ऑप्शन वन तो क्या है 30-30 और ईबीआईटी दिया नहीं है, ईबीआईटी निकालेंगे। ठीक है, तो सर अब स्टेटमेंट तो बना ही नहीं सकते क्योंकि जो ईबीआईटी होता वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नहीं दिया। अब हमें क्वेश्चन में ईबीआईटी निकालना है। पहले मैं किस में निकालूं, प्लान वन और प्लान टू, इन दोनों का निकाल लेते हैं। प्लान वन और प्लान टू का साथ में, प्लान वन में देखिए क्या है और प्लान टू में देखिए क्या है। कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया था, नहीं समझ में आया बताइए, आप में से किस किस ने किया था ऑफलाइन में? नहीं, मैंने कहा करा और समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में। प्लान ए और प्लान बी की बात करें, इसमें दो सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर वन लूं, फॉर्मूला क्या होता है इंडिफरेंस पॉइंट का? पहले इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला बताइए क्या था। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला जो रखते थे वो ईबीआईटी। अब अगर इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, 1 माइनस टी, और अगर इंटरेस्ट है पहले माइनस फिर, अब ना देखो प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में हम लास्ट में क्या करेंगे, माइनस यहां पे पीडी कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का जो हट गया है, ठीक है, तो पीडी कर देंगे लास्ट में, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए नंबर, एन डिनोट कर दिया। ठीक है, अब दोनों प्लान को ले लेते हैं हम, प्लान ए और बी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा प्लान ए एंड बी के बीच में, सर ए और बी के बीच में देखा जाए तो क्या रहेगा, ईबीआईटी माइनस, प्लान ए के अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर है, ठीक है, और सारा ही इक्विटी है, तो माइनस में टैक्स वगैरह तो बचा नहीं। इसके पास क्या है हमारा ऑप्शन में, एक मिनट, यहां पे हमारा है 30, इन दोनों में हो जाएगा ये, और बी में हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है, तो सर ईबीआईटी पहले में तो सिर्फ ईबीआईटी 1 माइनस टी कर देते हैं बस, और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं एन। दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं, दूसरे ऑप्शन में ध्यान से देखें तो क्या है, ईबीआईटी, ये मैं प्लान ए की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये प्लान ना ए की बात चल रही है, ए में दो ऑप्शन है, मैं एक पूरा करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इसमें इंटरेस्ट भी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एन। मैं प्लान ए को ही लेके चल रहा हूं, मैं रिपीट कर दूं एक बार, मैं प्लान ए को ही लेके चल रहा हूं, और ए के अंदर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 के बीच में किया जा रहा है ये। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें हम तो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स, टैक्स क्या है 35, तो अगर मैं लेता हूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.65 ईबीआईटी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे टैक्स रखोगे तो 35 डायरेक्ट आ जाएगा। एन की बात करें तो उसने कहा है कि भाई 30,000, पहले ही बोल दिया उसने। यहां पे अगर हम लेते हैं तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे, जीरो 0.65 EBIT। अब माइनस इंटरेस्ट क्या होगा सर, 15 लाख का है, 15 लाख पे, क्योंकि 15 लाख कैसे सर, ये तो 15,000 है। मैंने कहा भाई 3 जीरो भी तो लगाओगे, 100 रुपए का एक है तो 2 जीरो तो 15 लाख ही हो गया ना। अब ध्यान से देखो, डिबेंचर तो 15 लाख ही हो गया, 10% का मतलब 1.5 लाख। तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में या पूरा डिटेल में लिख दूं, क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे स्पेस मिल जाएगा। और एक स्टेप में और लिख देता हूं इसमें, मैं ये पूरा स्टेप दोबारा ही कर देता हूं। EBIT 1 माइनस 0.35, नहीं तो कंफ्यूजन होगा अननेसेसरी, N इज इक्वल टू EBIT माइनस में इंटरेस्ट है हमारा कितना, 1.5 लाख पे, यानी 15 लाख पे, और 1 माइनस 0.35, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 0.65 EBIT डिवाइडेड बाई 30,000 है, तो मैं 30 ही रख देता हूं, आप रखना चाहते हैं तो 30,000 जीरो से जीरो कैंसिल ही होना है। अब क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 0.65 EBIT। अभी डाउट भी लूंगा, कुछ बच्चों के माइंड में जो भी डाउट चल रहा है सब लेंगे। माइनस करिए 1.5 लाख को 65 से, हाँ, और डिवाइडेड बाय यहां के लिए N 15,000 है। तो अल्टीमेटली देखो, मैं 3 जीरो से 3 जीरो क्या कर रहा हूं, काट देता हूं पहले, समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, इसको 15 से मल्टीप्लाई करिए, चलो 2 से और काटने को बोल रहे हो तो 2 से और काट देते हैं। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, तो 0.65 इज इक्वल टू 1.3 EBIT माइनस 195,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। चलिए और भी सॉल्व करते हैं इसको। तो EBIT की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दूं, इज इक्वल टू 195। देखिए ये सारी छोटी छोटी कैलकुलेशन आप एक बार करिएगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अमाउंट क्या आ गया, तो सर 3 लाख आ गया, EBIT आ गया 3 लाख। अब मैं लेके चलता हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये प्लान नंबर जो था ना, ये इसके लिए आप 3 लाख रुपए EBIT मानेंगे, समझ में। अब आ जाओ ऐसे प्लान B पे, तो अगेन प्लान B में भी हम इंडिफरेंस पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। तो प्लान B के अंदर अगेन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में देखेंगे तो वहां से फिर EBIT आ जाएगा। तो मैं प्लान A के अंदर EBIT अगर आपसे लूं तो कितने का लूंगा मैं सर, 3 लाख रुपए का होगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो 3 लाख रुपए का होगा, ठीक है। चलिए, और अगर मैं इसमें इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट तो 1.5 लाख का, इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 1.5 लाख मैं एक का ही निकाल के दिखा रहा हूं। अब ये आ जाएगा EBT 1.5 लाख माइनस क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। सर टैक्स क्या आएगा, 5 to 500 माइनस करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा EAT 97500। अब इसके अंदर पहले वाले ऑप्शन में हमारा प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, देखो निल लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर की जगह पे क्या लिखा हुआ है हमारा, निल। तो सारा किसमें बढ़ जाएगा, इक्विटी में। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर से, जो कि क्या है हमारा 30,000 है। तो हमारा आ जाएगा ईपीएस कितने रुपए का आ रहा है, चेक करिए 3.25। ये लीजिए पहले का निकल गया। पहले प्लान बताइए किसी को दिक्कत है। ईबीआईटी 1.5 लाख है, ये कह रहे हैं बच्चे 1.5 लाख रुपए आ रहा है ईबीआईटी इसका, तो 3 लाख क्यों बताया फिर? 3 लाख ओके बाय मिस्टेक, ठीक है। पहले यहां तक बताइए, कोई डाउट है तो। एक जगह हाँ, तो 15 से तो डिवाइड किया मैंने। मैंने ये प्लान जो निकाला है ना, प्लान ए का, प्लान 1 का ऑप्शन 1 है ये। चलो प्लान 1 का ही निकाल लेते हैं, ऑप्शन 2 ठीक है। तो अगर प्लान 1 का ही पूछोगे तो अगेन क्या आएगा 3 लाख। फिर गड़बड़ कर दिया आपने, तो कुछ गड़बड़ नहीं, इसको 2 करते हैं। इसको 2 कर रहे हैं, ये वाला 2 है, दोबारा देखिए मैं लिख देता हूं। ये हमारा प्लान A का ऑप्शन 2 है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 के हिसाब से हमने क्या ले लिया, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के हिसाब से अब इसको डिवाइड करिए आप 15,000 से, 15,000 से डिवाइड करिए। मैं समझा रहा हूं, अभी पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 15,000 तो ये आ गया हमारा, मेरे को एक करने दो पहले, फिर मैं पूरा समझाता हूं, 6.5। चलिए प्लान A का ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं, 3 लाख का ये रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा नहीं ऑप्शन नंबर 1 में, 3 लाख रहेगा, टैक्स हो जाएगा कितने, 1,05,000। क्या आ गया 1। अब यहां कितने होंगे, डिवाइड करिए। $6.5 ही आएगा इन डिफरेंस पॉइंट। अब मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूं पहले पूरा, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये हो कैसे रहा है और हमें करना कितना है। पहले वाला पार्ट हमने किया, एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, और क्वेश्चन समझाने के लिए मैं इधर थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूं, ठीक है। सर क्वेश्चन में क्या कहता है, ये पूरा मिटा देता हूं जो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, ये लीजिए इसको साफ कर दिया पूरा। ये क्वेश्चन क्या है ये समझिए। सर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बात क्या कह रहा है, ये पहले प्लान 1 कहता है, इसने थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन खराब कर दिया। प्लान 1 में कहता है A में, और प्लान क्या है हमारा B है, और प्लान क्या है हमारा C है। प्लान A B और C 3 प्लान है, और तीनों प्लान के हिसाब से देखा जाए तो प्लान 1 में क्या कह रहा है ये, प्लान 1 में कहता है कि भाई हम तुम्हें सबसे पहले तो EBIT जो है नहीं बता रहे हम आपको, प्लान ए के अंदर, जो प्लान ए है हमारा, इसके अंदर हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। इस वाले ऑप्शन में तो इक्विटी शेयर कैपिटल है सिर्फ, इस वाले ऑप्शन में इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ डिबेंचर भी है। तो सर हमें जब दो ऑप्शन मिल जाता है तो दो ऑप्शन के लिए अगर हम इंडिफरेंस पॉइंट सामने सामने रख लें तो जो उसने पूछा वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो हम अभी प्लान बी की बात कर ही नहीं रहे, इसकी बात ही नहीं कर रहे, इसको हटाओ अभी थोड़ी देर के, हम सिर्फ पहले वाले पार्ट पे। क्वेश्चन में कहता है कि भाई 30 लाख रुपए की जरूरत है, तो भाई यहाँ पे 30,000 शेयर अगर वो इशू करने की बात कर रहा है और एक शेयर 100 का है तो ऑब्वियस सी बात है 30 लाख का क्या हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, 30 लाख का क्या हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने क्या करा, पहले मैं इस पे फोकस, मेरा जो फोकस है ना पहले वो किसके ऊपर है, सिंपली सिर्फ एक पॉइंट पे है, वो है इस पे। दूसरे प्लान को देखना ही नहीं है, इसको हटा दो, इस प्लान को अभी थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इस प्लान की बात कर रहे हैं। अब कहता है सर टैक्स रेट 35% है, एक ही क्वेश्चन मानिए, एक ही है, ये दूसरा क्वेश्चन वो तीसरा क्वेश्चन, ऐसे करेंगे। कहता है फेस वैल्यू सबका दे रखा है 100 रुपए के हिसाब से, इंडिफरेंस पॉइंट निकालिए और अर्निंग पर शेयर भी निकालिए ईच ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। पहले प्लान नंबर 1 की बात करते हैं। सर प्लान नंबर 1 के अंदर इंडिफरेंस पॉइंट जब आप निकालने जाओगे तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, एक ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट या जो भी करते हैं डिवाइडेड बाय एन, और दूसरे जगह एक ईबीआईटी और डिवाइडेड बाय एन, ये एन1 ये एन2, यानी ये वाला जो एन1 है और इसके नीचे जो हमने रखा, अरे अच्छा यहां रखा एन1 और ये एन2 है, ठीक है। इस एन1 एन2 की मदद से हम क्या निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही मैंने ईबीआईटी निकाला, क्वेश्चन में बोलता है इंडिफरेंस पॉइंट निकालिए, तो निकाल लिया इंडिफरेंस पॉइंट। और इंडिफरेंस पॉइंट क्या बताता है कि वो लेवल जहां पे ईपीएस दोनों कंपनी में क्या रहेगा सेम और ईबीआईटी भी क्या रहेगा सेम। मैंने सिंपली क्या करा, पहले अभी सिर्फ और सिर्फ मैं जो लेके चल रहा हूं वो प्लान ए की ही बात चल रही है। मैंने देखो बी और सी काट दिया, ईबीआईटी लिखा तीनों में, इसके अंदर इंटरेस्ट था, ये सेकंड प्लान है क्योंकि मैंने पहले इसको कर दिया था इसलिए सेकंड लिख दिया यहाँ पे। इंटरेस्ट था सेकंड प्लान में, देखो सेकंड प्लान ये वाला है ना, सेकंड प्लान की बात करें हम तो सेकंड प्लान कौन सा है, ये वाला सेकंड प्लान है, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड मैं प्लान सेकंड नहीं, ऑप्शन 2। इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट कितने का था, 15 लाख पे मैंने निकाल लिया। सर 15 लाख पे जब आपने इंटरेस्ट निकाला है तो सिंपली ये इंटरेस्ट का पॉइंट आके ये ईबीआईटी आ गया, फिर टैक्स माइनस किया और इसको नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करने गए तो जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने, सिर्फ और सिर्फ 15,000, सिर्फ और सिर्फ कितने हमारे देखोगे तो 15,000 है, सिर्फ ओनली 15,000। यहां 15,000 से डिवाइड किया, 2 में चले गए तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट आया ही नहीं, सीक्वेंस से करते गए और यहाँ पे 6.5 आ गया। मैं प्लान बी और प्लान सी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। अब जिसका डाउट प्लान ए में है वो सिर्फ पूछे ए में, बी को भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं, बी को भी मैं ऐसे ही करूंगा, फिर सी आपको करने कर दूंगा, मैं एक में बी करके दिखाऊंगा। आप बताइए जिसका भी डाउट है, सिर्फ इस पॉइंट में, इधर उधर की बातें कोई भी नहीं पूछेगा, बताइए। कोई डाउट नहीं सर पीडी, अरे मैं पीडी की बात कर रहा हूं, मैंने ये वाला प्लान पीडी प्रेफरेंस शेयर देखो नील लिखा है, तो अभी मैं पीडीवीडी की बात नहीं कर रहा, इसे लो ये काट दिया, ये मैंने फिर से, ये है ही नहीं पार्ट। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप प्लान 1 के पूछे, प्लान 2 भी करूंगा तब बात कर लेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या होना है। अरे क्वेश्चन की इमेज नहीं, क्वेश्चन तो पहले भी भेजा हुआ है, क्वेश्चन तो पहले भेजा हुआ है ना आप सभी को, वही क्वेश्चन है। कह रहे इंटरेस्ट एक बार बता दो, चलिए सर इंटरेस्ट लोन 15 लाख रुपए का है, कैसे आया 15,000 इंटू में 100 रुपए का फेस वैल्यू कह रहा था तो 15 लाख रुपए का, और रेट क्या दे रखा है, ऐसे निकला इंटरेस्ट। लॉकडाउन ने बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। ये देखिए इंटरेस्ट समझ में आ गया। ओके चलिए अगले मैं प्लान बी की बात करूंगा, प्लान बी पे चलते हैं फटाफट से सर, न्यू पेज पे चलते हैं, प्लान बी पे यहीं पे इंसर्ट करते हैं तो यहां पे क्वेश्चन भी होना चाहिए। अगेन इस क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, ये लीजिए अब क्वेश्चन दिखेगा, जिसको नहीं दिख रहा था अब दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगेन दो अब मैं बात करूंगा, प्लान सिर्फ बी पे फोकस करिएगा, ऑप्शन वन ऑप्शन टू, ठीक है। मैं अब यहां पे अगेन ये वाला जो है ये बिल्कुल भी नहीं देखना आपने, ये वाला पॉइंट हटा रहा हूं मैं यहां से, और ना ही इस पे फोकस करना है, फिर पूछ लेगा कोई ना कोई, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा, प्लान बी की बात करते हैं। प्लान बी में फिर से मुझे ईबीआईटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना ईबीआईटी के तो हम ईपीएस निकाल ही नहीं सकते। अब इसके अंदर ऑप्शन नंबर वन में कहता है कि भाई आपका इक्विटी शेयर पूरे 30,000 का है, ऑप्शन नंबर कहता है यहाँ पे पीडी दिया जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। एक बार स्टेटमेंट अगर आप बनाओ, स्टेटमेंट पहले बाद में बना लेंगे, फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी पहले वाले में कुछ नहीं है तो 1 माइनस टी। 1 माइनस टी क्यों होता है मैंने सोचा आज बताऊंगा, लेकिन आज आपने चैप्टर यही वाला रहने दिया तो कोई दिक्कत नहीं, N1 कर दिया, मतलब प्लान वन यहां आ जाएगा हमारा EBIT, और सर क्या आएगा, इंटरेस्ट तो है नहीं। देखिए प्लान बी जो है इसके अंदर डिबेंचर के आगे क्या लिखा हुआ है, निल, तो मतलब यहां इंटरेस्ट है नहीं, तो इंटरेस्ट मैं लिख भी नहीं रहा इसमें, तो माइनस क्या कर दें, माइनस क्यों, 1 माइनस टी कर दें, और इसके बाद माइनस पीडी करेंगे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे पीडी का, डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। पहले वाले में ईबीआईटी नहीं पता, 1 माइनस टी पता है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.65 ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 30,000, 30K। यहां पे क्या करोगे सर, यहां पे भी वही होगा 0.65 EBIT माइनस PD और डिवाइडेड बाय 15K, 15K। सर अब यहां पे आप PD निकाल के दिखा दो। अच्छा 20 है, अच्छा 10 और 20 का रेशियो है ना, 20K। सर पीडी कैसे निकालेंगे, रेट क्या है पीडी पे 12%, अमाउंट कितने हैं, बोलता है 10,000 हैं और 100 रुपए का एक है, कितने आ गए 10 लाख, इसके ऊपर 12% का रेट है 1,20,000, तो 1,20,000, ठीक है ना, 1,20,000। जिसको देखना होगा वो इधर देख लेगा अपना। चलिए आगे चले, सॉल्व करते हैं। ये तो कट ही जाएगा, 1.5 है ना, 3.2 में, चलो 3.2 कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा जीरो सारे कैंसिल और यहां भी जीरो सारे कैंसिल, 3 2 2 से मल्टीप्लाई करो 1.3 EBIT मल्टीप्लाई हो गया 2 से ये इजिकल टू 95 EBIT कैलकुलेटर लेके रहना आप, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। अब डायरेक्ट EBIT बता दो आप मुझे सर, डायरेक्ट EBIT कैसे सॉल्व कर लोगे ना, माइनस करोगे 0.6 आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय पॉइंट, तो ये आ जाएगा 5 लाख, ऐसा है ये। चलो अब पहले का EBIT, तो इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए भाई फिर तो। चलिए कितने का है, 55 38 46 55 38 माइनस इंटरेस्ट। सर कहीं नहीं है, कहां पॉइंट है, पॉइंट इसके बाद पॉइंट होगा ना, पांच लाख 53,846 यही रहेगा। ये आ जाएगा हमारा EBT, अब क्या माइनस करें, टैक्स। अब निकालो टैक्स, बताइए 193,846 193,846। अब आ जाएगा EAT 360, ये काम बढ़िया हो गया। अब माइनस पहले PD करेंगे क्योंकि PD है, तो सर पहले ऑप्शन में PD तो है नहीं ब्लैंक, दूसरे ऑप्शन में PD है, और PD कितने का था 1। चलिए अब आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग आ गया इक्विटी के लिए 360 और 2, समझ में आ रहा है यहां तक। डिवाइड कर दो सर इसको नंबर ऑफ, यहां पे तो 30,000 है, यहां 20,000 है, तो 12 12 ही आएगा। ये आ गया EPS। प्लान 1 के अंदर कितना आ रहा था 6 और प्लान 2 में आ रहा है 12, तो उससे बेहतर तो अभी तक तो ये है। बताइए कोई डाउट इसमें। हाँ अगर ऑप्शन 1 में भी PD गिवन होता तो फिर यहीं पे PD इंटरेस्ट को ले लेते और इंटरेस्ट यहां पे आता और फिर PD माइनस होता है। ऑप्शन 3 में तीनों है ना, मैंने मिटा दिया। चलो देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन तीनों में तीनों है, ये भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अभी इसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल इसमें। ये क्या काम आता है पता नहीं क्या, ये मिटने की जगह पे तो दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे अभी जो डाउट पूछेंगे ना सिर्फ प्लान B के बारे में पूछेंगे, A के नहीं पूछेंगे, A का मैंने बता दिया है। अब B का पूछे, किसी को डाउट है किसी को डाउट? अब C का भी यही कहानी। चलिए C पे चलते हैं और C के लिए अगेन क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये चल रहा है हमारा प्लान सी, इसके अंदर ऑप्शन नंबर और ऑप्शन नंबर 2. चलिए करें स्टार्ट. अगेन कहानी दोबारा से EBIT निकालना पड़ेगा हमें. EBIT माइनस पहले वाले ऑप्शन में तो देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है. अब इसे दोबारा मैं यहां हटा देता हूं, ये नहीं देखना आपने जी, इसकी बात करते हैं. तो पहले वाले में तो है ही नहीं, तो सीधा क्या कर दें हम, अरे वन माइनस टी डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा पता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स. एक चीज बताओ, पहले ना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता था, तो वहां पे 1 प्लस टैक्स भी हो जाया करता था. वो पुरानी बात है, अब आपके सिलेबस में नहीं आएगा. अगर कोई भूला भटका 10 ईयर में देख लिया, किसी बुक में देखे, तो उसे आप इग्नोर करके चले, ठीक है ना. पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता था, तो डिविडेंड के आगे हम 1 प्लस CDT लगाया करते थे, जो कि अब है नहीं, तो बता के फायदा नहीं. लेकिन कुछ बच्चों के पास पुराने नोट्स हो सकते हैं, पुराने किसी अपने सीनियर से ले सकते हो, फिर परेशान नहीं होना, वो चीज हट चुका है हमारे सिलेबस से. माइनस PD. चलिए N2. सर यहां पे क्वेश्चन में पुट करते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0.65 EBIT. पहले वाले में TC है, दूसरे को पूरा एक्सप्लेन करते हैं. अगर हम यहां पे पूरा मैं लिख दूं या फिर यहां डायरेक्ट लिख दूं, चलिए 0. पहले वाला ही आ जाएगा ना, 0.65 EBIT माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होगा सर, तीसरा प्लान है, तीसरे में कर्जा कितने का, 10 लाख. रेट क्या है, 10%. सर ये 10,000 है, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो 1 लाख का 1 माइनस 0. अब ये भी है 10, इसके ऊपर है 12%, तो माइनस 120. अब इसके डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर की बात करें तो यहां 10,000 ही है. इसमें तीनों वेरिएंट आ गया आपके पास, है ना. सॉल्व कर दें. सर ये कट गया, 3 और 1. अब देखते हैं यहां पे 65, 65, 1, 1 सॉल्व करिए आप, तो ये आ जाएगा हमारा 0.65 EBIT डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.65 EBIT माइनस, इसको सॉल्व जब इससे करेंगे तो 65 और माइनस 120, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, अब मैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जो 185 होगा. तो मैं डायरेक्ट थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करूंगा 0.65, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.95 EBIT. अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 65 और 20 को अलग अलग कर दो, या दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं ना. तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, जोड़ने के बाद 185 को मैं डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 555. ठीक है, EBIT सॉल्व कर ले. फिर से विजुअल की दिक्कत. चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, सॉल्व करिए. EBIT इज इक्वल टू 5,55,000 डिवाइडेड बाय 1. आ गया जवाब कितने का? 4. चलिए आ जाते हैं इस पे। EBIT 426 923 426,923 माइनस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट है क्या? ऑप्शन 1 में तो नहीं है लेकिन ऑप्शन 2 में है। कितने का है? 1,00,000 का। चलिए आ जाइए, आ जाएगा EBT 426,923 43 आ जाएगा ना, 326,923। अब माइनस क्या कर दें? टैक्स। कितने परसेंट? जो भी गिवन था। बताइए क्या आ रहा है? 1,4,423। इसका 11,443। अब आ जाएगा ये EAT। बताइए माइनस करके क्या आ रहा है? 1 का। ये कितने है? B का क्या है? B का ऑप्शन 2 का 277 2,12,500 2,12,000। अब क्या करें? माइनस PD। सर पहले में तो PD भी नहीं है, इसमें PD है। कितने का PD था सर? 120। अब आ जाएगा अर्निंग 277 और माइनस कर दो। हाँ 9 बस। अब डिवाइड कर दो इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से। यहां पे 30 से करना है, यहां 10 से करना है। अब EPS आ जाएगा जी। EPS लिख देते हैं। EPS क्या आया? 9 पॉइंट। दूसरे का भी यही आएगा। अब आपके सामने 3 प्लान है। पूछा गया क्वेश्चन में कि बताइए कैलकुलेट द डिफरेंस पॉइंट एंड अर्निंग पर शेयर। उसके साथ साथ क्या बताएं? फाइनेंशियल फॉर ईच के लिए और विच प्लान शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। तो कौन से प्लान एक्सेप्ट करने चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा? EPS। तो देखते हैं यहां पे EPS 9 रुपए 25 पैसे, पिछले वाले में 12 रुपए, इससे पिछले वाले में 6.5। तो भैया प्लान नंबर 2 सबसे बढ़िया है और प्लान नंबर 2 में 12 है और यही ऑप्ट करेंगे। तो यही था इस क्वेश्चन की पूरी कहानी जो कि हमने कर लिया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। इसके बाद अच्छा 11 भी ऐसे देख लेते हैं, क्या पता 10 की वजह से कुछ बच्चों का 11 रह रहा हो। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? किसी का कोई डाउट है तो बताइए। नो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं। सेम हुआ तो फिर आवश्यकता नहीं है। यहां भी सेम ही है, प्लान 1 प्लान B प्लान। और यहां इसने क्या करा? बल्कि ये तो सिंपल है। कुछ बच्चे कह रहे थे समझा देंगे, फिर मैं समझा ही दूंगा। अभी लेते हैं डाउट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मेरे को वैसे भी कराना है। ब्रेक इवन पॉइंट में डाउट है? एक बार आप चैट पे लिखिए अभी, फिर मैं डाउट इकट्ठा लूंगा, पहले चैट पे बताइए। शिवानी का हैंड रेज है। क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए आप। यस शिवानी बताइए आपका क्या डाउट है, सुन लेते हैं। सर प्रीवियस क्वेश्चन में पीडी समझ में नहीं आया, पीडी रिपीट करना एक बार। अच्छा पीडी, यस। अभी इस क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, यहाँ देखना सेम रहेगा, ठीक है ना? ओके सर। अभी किसी का डाउट नहीं, सिर्फ पहले इस क्वेश्चन को, फिर मैं सारा क्वेश्चन क्लास खत्म होने के बाद आपके सबके डाउट लूंगा। एक बार क्वेश्चन खत्म कर लें, फिर क्लास खत्म होने के बाद जैसे मैं रुकता हूं वैसे ही मैं सारे डाउट ले लूंगा। चलिए ये बताइए, जेवियर का है, कहता है जेवियर कंसीडर द 3 प्लान, ये रहा। आगे कहता है द की इंफॉर्मेशन टोटल फंड रेज कितने रुपए का, सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए इसे, मात्र 2 लाख। फाइनेंशियल प्लान अलग अलग दे रखे हैं, कहता है इसके अंदर सर इक्विटी भी होगा, प्लान नंबर 1 में ये दोनों नहीं होगा, सारा इक्विटी, प्लान नंबर बी में आधा आधा दोनों है, प्लान नंबर सी में ये दोनों पार्ट दे दिया। कहता है कॉस्ट ऑफ डेट, जिसमें भी डेट होगा वहां 8% ब्याज लगाना, प्रेफरेंस शेयर पे भी 8% का डिविडेंड लगाना, इक्विटी शेयर 10 रुपए का होगा और प्रीमियम पे इशू किया जाएगा इक्विटी शेयर 10 रुपए, यानी इक्विटी शेयर 10 रुपए का तो नॉर्मल है और 10 रुपए का प्रीमियम, तो शेयर कितने का हो गया टोटल, 20 रुपए का हो गया। हमारा किस क्वेश्चन में काम आएगा अभी देखेंगे। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, तो यहां पे इंडिफरेंस पॉइंट का सवाल ही नहीं है, ईबीआईटी दे दिया इसने। डिटरमाइन अर्निंग पर शेयर एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ये भी बता देंगे। इंडिकेट एनी ऑफ द प्लान, डिटरमाइन, कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज, प्लान ऑफ इंडिफरेंस, कहता है कि ईबीआईटी रेंज भी बता दीजिए, डोमिनेंट कौन सा है। तो पहले हम ईपीएस की बात कर लेते हैं, तीनों प्लान का मैं ईपीएस निकाल लेता हूं फिर आऊंगा उसमें। चलिए अब यहां पे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ईबीआईटी, सर ईबीआईटी कहता है 80,000। एक एक करके पार्ट सॉल्व करेंगे। माइनस इंटरेस्ट, प्लान 1 के अंदर देखिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लान 2 के अंदर डेट है कितने का, 50%, 50% 2 लाख का डेट कितना होगा, 1 लाख। तो अगर 50% कह रहा है 2 लाख रुपए टोटल फंड चाहिए तो 1 लाख का डेट होगा, डेट का रेट पहले से दे रखा है 8%, तो ये आएगा हमारा 1 लाख का 8%, यानी फिर भी कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है तो डेट का निकाल लेते हैं। डेट 8% है, इज इक्वल टू 1 लाख, तो सर इंटरेस्ट आ गया 8,000, ये ब्लैंक रह जाएगा। चलिए बताइए क्या आया। माइनस करिए, टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं है, नहीं है तो नहीं है, छोड़ो। ईबीटी आ गया, टैक्स दे नहीं रखा, ठीक है। ये आ गया हमारा ईएटी, वैसे होना चाहिए, या तो हो सकता है मिसिंग हो, एक बार देख लेते हैं। अच्छा यहाँ 50% है तो शायद मिसप्रिंट होगा, तो 50% है भाई, है 50%। क्वेश्चन में ठीक कर लो, कहीं भी लिख लो 50% का टैक्स है, इसे ठीक कर लेना। तो 50% का सर अगर टैक्स है तो ये आएगा हमारा, वही मैं सोच रहा था टैक्स क्यों नहीं है, तो वो चेक कर लिया, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। अब माइनस पीडी करेंगे। एक बच्चे का डाउट था पीडी कैसे निकला, पीडी कहता 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होंगे और प्लान नंबर 3 के अंदर 50% होंगे, जो कि 2 लाख में से 50% हो गया कितने का, 1 लाख का। तो पीडी आएगा हमारा इस पे 8,000। ठीक है, अब चलिए यहां पे तो है नहीं, यहां पे है नहीं, यहां 8,000 आ जाएगा हमारा अर्निंग। अर्निंग की बात करें 40, 36, 30, आप डिवाइड कर देते हैं इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले प्लान के अंदर, अब बात आती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बता दो। सर प्लान 1 के लिए बताऊंगा, यहां पहले प्लान 1 के अंदर देखा जाए तो हमारा फंड जो था वो था 2 लाख रुपए, और कहता है एक शेयर 10 का होता तो आप झट से बता देते कितने का, 20,000। कहता है शेयर 10 का है, लेकिन उस 10 के ऊपर प्रीमियम भी लेंगे हम। कहां कह रहा है सर ऐसी बात, ये रहा, ये कह रहा है कि 10 रुपए पे आपका फेस वैल्यू और 10 प्रीमियम। तो यानी अब जो इस फंड को डिवाइड करना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स का कैसे निकलता है, जो फंड है आपका वो डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। सर इश्यू प्राइस की बात करें तो 10 + 10, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, और नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, तो पहले वाले में लिखने वाला हूं 10,000। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, है किसी को कोई दिक्कत, जो लाइव में देख रहे हैं उसको भी बता दीजिए। अच्छा आंसर में दे रखा है, अज्यूम किया हुआ है, चलो मैं इस क्वेश्चन में ही करेक्शन करके डाल दूंगा, टेक्स्ट डाल दूंगा वैसे मैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, बी प्लान 36 का है, 36 का है ना, तो 36K के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पे हमारा नंबर ऑफ शेयर प्लान बी के लिए 1 लाख का देख लेते हैं, इधर से लेके या इस पोर्शन को छोटा करते हैं बस। चलिए प्लान 2 के लिए, सर प्लान 2 के लिए फंड जो था टोटल था 2 लाख में से माइनस कर दो, डिबेंचर इशू कर दिया 1 लाख। तो सर इक्विटी के लिए जो फंड चाहिए था 1 लाख, तो सर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 1 लाख डिवाइडेड बाय, अब फिर से 20 का है तो डिवाइड 20, तो नंबर कितने आ गए, किसी को डाउट है, किसी को डाउट। तीसरे प्लान में भी क्या रहेगा हमारा 5,000, क्योंकि 1 लाख का फिर से अगेन क्या है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आगे हमारा ई बताइए, $6 सबसे बढ़िया, पहले तो कहा था ईपीएस निकालिए एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की भी बात करते हैं। चलो पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत है। और कहता है इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान, इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट, यानी कौन सा प्लान जो है डोमिनेट मतलब कि जो कि बेस्ट है, एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान इन डिफरेंस, मतलब इसमें स्टेटमेंट लिखना है। देखिए आप पहले ये देखिए आप, कहां गया क्वेश्चन, यही है ना, पहले ये वाला पार्ट समझ में आ गया जो मैंने अभी कराई है, क्लियर है। अब मुझे दिखाना था आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वैसे मुझे अगले पार्ट में कराना है, कहां गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये रहा, मैं यहां बता देता हूं। या फिर वहीं चलते हैं, यहीं देख लो आप, देखिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें ना, या एक काम करते हैं, अरे यहीं चल लेते हैं ना, यहां देख लेते हैं। देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कर देते हैं, इंटरेस्ट प्लस पीडी, बस इतना याद रखना है, इंटरेस्ट प्लस पीडी। पहले टाइम पे सीडीटी हुआ करता था, तो पुराने टाइम पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता था इंटरेस्ट और प्लस, अगर पीडी है तो 1 माइनस में टी कर देते थे पहले, लेकिन अब हमारा टैक्स वाला कॉन्सेप्ट डिविडेंड पे से हट गया है, डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं है, सीडीटी हट चुका है, आप सेमेस्टर 4 में आपने देखा था। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला कहीं आपको क्वेश्चन मिलता है ना इसका सॉल्यूशन, तो ये वाला नहीं काम आएगा, सिर्फ क्या होगा इंटरेस्ट प्लस पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि एप्लीकेबल है। तो यहां पे जो मेरा क्वेश्चन था अभी जो हम कर रहे थे क्वेश्चन, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, ये रहा क्वेश्चन, ये यही है ना, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, ये। तो यहां पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछूं मैं, तो सर इसमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देखिए, कुछ है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं। दूसरे में है क्या सर, दूसरे में तो है, दूसरे में इंटरेस्ट है, तीसरे में डिविडेंड है, सिंपल। बाकी ना इस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे या 1 माइनस टी पे अगले वाले चैप्टर पे मैंने सोचा हुआ है कि वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूं मैं, यहां पे मैंने बस बता दिया क्योंकि एक आध क्वेश्चन है, वहां पे और भी क्वेश्चन आ जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ये 16,000 है, तो मैंने बताया वो क्या कर रहे हैं 1 माइनस टी कर रहे हैं पीडी के लिए, जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है पीडी के लिए, तो अब उसके हिसाब से वो 16 है, आपने 8 ही रखना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लोगे या मैं निकाल के बताऊं, यहां पर दिखाई देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। देखिए इंडिफरेंस पॉइंट में किस किस का निकालना है, जो डोमिनेंट है, कौन कौन है डोमिनेंट, का मतलब क्या हुआ सर, मतलब पूरा ए बी एक, ए बी और एक ए सी, यानी ए का बी के साथ कंपेयर कर लिया, ए के साथ सी का कंपेयर कर लिया। तो चलिए क्या कहना चाहता है ये, यानी एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस पॉइंट निकाल लीजिए, यानी प्लान ए और प्लान, और एक प्लान 1, और आपकी इच्छा है तो एक ये भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन ने हालांकि बोला नहीं है, 2 निकाल के दिखा दिया है, और आपकी इच्छा हो तो आप बी प्लस सी का भी निकाल सकते हो। तो इंडिफरेंस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक तो आएगा ए प्लस बी का, एक आएगा बी प्लस और एक आएगा सी प्लस ए, इन तीनों का निकालेंगे। ठीक है ना। अब इसमें आप कर लोगे या मैं करके दिखाऊं, बताओ। इंडिफरेंस पॉइंट ही तो निकालना है। इंडिफरेंस पॉइंट में मैं ए का निकाल के दिखा दूं अगर, तो क्या है ईबीआईटी। अब इसमें तो था नहीं कुछ, तो -1 -0.5 डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। एन यहां पे एन निकाला था 10,000, इसके बाद इजिकल टू क्या रखेंगे ईबीआईटी, और माइनस इंटरेस्ट था यहां पे 8,000 और 1 माइनस में 0.5 और यहां पे था 5,000। देखिए सिंपली निकल जाएगा, ये कट गया हमारा 2 और ये हो गया 1। सॉल्व करिए तो 0.5 ईबीआईटी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पे कुछ स्टेप लिख नहीं रहा, आप लिखोगे प्रॉपर 2 ईबी, ये आ जाएगा हमारा 5 यानी 1 ईबीआईटी आएगा सिर्फ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे, और ये आ जाएगा 4,8,000। माइनस करोगे तो सर ईबीआईटी आ गया, दैट्स इट, पहले का। ठीक है ना। सेम ऐसे बी का कर लोगे, यानी किसमें बी प्लस सी कर लेना और फिर सी प्लस ए। सोल्यूशन के अंदर 2 का करा हुआ है, आप तीनों कर सकते हो, तीनों का फाइनेंशियल ब्रेकइवन पॉइंट। जब भी 3 प्लान होता है तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 प्लान होंगे तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2 प्लान होते हैं तो 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक सर एग्जाम में अगर टैक्स रेट नहीं, एग्जाम में देगा, चिंता मत करो, एग्जाम तक अभी मत जाओ, एग्जाम के अंदर टैक्स रेट देगा ही देगा। नहीं देगा तो आपको अजम्पशन नहीं लेना कभी भी, आप वहां पे ब्लैंक छोड़ के आगे चलना। सिक्सटीन में कह रहा है कि डीएफएल ऑफ सी 12, अभी देखते हैं एक एक करके, ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 12 में बताइए डाउट क्या था, समझाना है। पहले देख लेते हैं टॉपिक चेंज तो नहीं है कहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। कहता है आ न्यू प्रोजेक्ट अंडर द कंसिडरेशन XYZ लिमिटेड के अंदर है, विच द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट 4.5 करोड़, यानी हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट कितने की चाहिए हमें, 4.5 CR। आगे क्वेश्चन में कहता है इंटरेस्ट ऑन द टर्म लोन 12% एंड कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 50%। अगर लोन लेते हैं तो 12% है, टैक्स रेट 50। इफ द डेट इक्विटी रेशियो, आपको बताया गया फाइनेंसिंग का 2:1, फाइनेंसिंग एजेंसी ने बताया डेट इक्विटी रेशियो 2:1। कौन सी क्लास, तो सर यहां पे डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है, कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब सर यहां पे पहले डेट इक्विटी रेशियो है, डेट और इक्विटी फाइंड कर ले। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। अब डेट इक्विटी रेशियो हमारे पास 2 बाय, क्या हमें डेट पता है? इसमें एक प्लान पूरा कॉपी किया भी था या नहीं किया मैंने? इसमें मुझे अज्यूम नहीं करना, नंबर 1 को मान लेते हैं, नंबर 2 को कर लेते हैं, एक काम करते हैं जो डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है, और डेट इक्विटी रेशियो का देखा जाए हमारे पास 4.5 है ना, तो हाँ मैं वही निकाल रहा हूं। दो हिस्सों में बांट देंगे, 2/3 ये आ जाएगा हमारा, चलिए मैं दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूं। हमने क्वेश्चन को पहले स्पेसिफिक क्या किया, हमें इंडिफरेंस पॉइंट के लिए 2 चीज चाहिए, एक ऑप्शन जहां पे इक्विटी और कुछ भी हो, एक ऑप्शन जहां पे इक्विटी और उसके साथ कुछ भी हो। तो पहला ऑप्शन मैंने मान लिया, हमारा फंड जो है वो कितना है, 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ का मतलब 450 लाख, 450 से डिजिट से करेंगे। पहले में मैंने मान लिया, यहाँ पे गिवन नहीं है तो 100% इक्विटी शेयर कैपिटल मान लिया मैंने। फर्स्ट में क्या मान लिया हमने, 100% इक्विटी। दूसरे में कहता है 4.5 करोड़ का डेट इक्विटी रेशियो ये रहेगा, तो 4.5 करोड़ को 2 रेशियो में मैंने यहाँ पे क्या करा, बांट दिया, जो कि आ गया 1 का 3 और 1 का आ गया 1.5। पहले यहां तक देखिए किसी को दिक्कत है तो बताइए, पहले इसके यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है यहां तक? इनडिफरेंस पॉइंट की बात चल रही है तो इनडिफरेंस पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, EBIT, पहले में डेट है नहीं, 1 - T डिवाइडेड बाय N, और यहां पे क्या आएगा EBIT, इसमें इंटरेस्ट है तो माइनस इंटरेस्ट 1 - T डिवाइडेड बाय N2। सर EBIT क्वेश्चन में नहीं पता, इंटरेस्ट 50% दे रखा है, N अब पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 450 लाख रुपए हैं। अगर 450 लाख की बात करें तो ये देखो 450 लाख है, ठीक है, यानी 4.5। 10 रुपए का शेयर मान लो, 100 का मान लो, आपकी इच्छा है, मैंने 100 रुपए का मान लिया, क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो 100 का मान लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 4.5 लाख या 4.5, 4.5 लाख कर लेते हैं, या पूरा ही लिख दो, इक्वल टू अब EBIT अगेन माइनस इंटरेस्ट। सर यहां पे जो इंटरेस्ट है 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ का रेट बता दिया 12% होगा, तो इसके ऊपर 12% निकालो, हाँ 1:2, अच्छा 2 वाला डेट है, ये डेट है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, तो ये वाला डेट है, ये वाला डेट है, और ये वाला क्या है, इक्विटी, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने परसेंट, 12, तो 3 पे 12% लगाओगे तो कितने आएंगे, 36 लाख, 1 - T, और नंबर ऑफ की बात करें तो 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ को 100 से डिवाइड करोगे तो 15 लाख, नहीं 1.5 लाख, कैंसिल कर दो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 = इसको सॉल्व करोगे तो 0 EBIT और माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 180, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ अच्छा 18 लाख, यहां पे डिवाइड किससे है 3 से, सर यहां डिवाइड किससे 1 से, ये तो यही रह जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और ये आ जाएगा 54, तो ये आ जाएगा हमारा ईबीआईटी और यही आंसर है। मैंने डायरेक्ट कर दिया कि स्टेप मैंने यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो सर ये था क्वेश्चन नंबर, ये 54 लाख हमारा आ गया। एक अजम्पशन था इन केस 100% इक्विटी फॉर्म, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा तुम्हारा ले लो, कोई डाउट? एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दें। क्वेश्चन में कहता है एक प्रोजेक्ट है 4.5 करोड़ रुपए का फंडिंग चाहिए, जिसके लिए वेंचर होगा, कोई भी लोन लोगे 12% का रेट होगा और डेट इक्विटी रेशियो 2:1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या समझ में आया सर, यहां पे दो प्लान चाहिए इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए, एक जहां पे इक्विटी हो, तो हमने अजम्पशन लिया कि एक जगह पे 100% इक्विटी ले लेते हैं, ये क्या है अजम्पशन है। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा और प्लस डेप्ट भी होगा। सर लेकिन इसमें समस्या है कि इक्विटी कितना और डेप्ट कितना, तो मैंने यहां पे सॉल्व किया। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आता है, पहले वाला डेट होता है बाद वाला इक्विटी होता है, तो पहले वाला ये आएगा 2/3, तो ये निकाल लिया हमने डेप्ट, और ये आएगा हमारा 1/3, ये निकाल लिया इक्विटी। डेट से हमारा क्या हेल्प मिलने वाला, इंटरेस्ट का, इक्विटी से क्या मिलने वाला हेल्प, नंबर ऑफ शेयर्स का। तो हमने इन डिफरेंस पॉइंट के अंदर पूरा प्लॉट किया। यहां पे देखिए पहले वाले, यहां पे मेजरली यहां कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़े सा समझना यहां पड़ेगा। सबसे पहले 36 लाख कहां से आया, डेट के ऊपर 3 करोड़ के ऊपर 12% निकालोगे कैलकुलेटर पे तो आएगा 36 लाख। 1.05 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये कितने का हो गया 18 लाख, क्योंकि 0.5 का मतलब 0.5 से जब भी इंटू करोगे तो आधा ही होना है वो 18 लाख। अब इस पूरे को सॉल्व किया तो ये आ गया 54 लाख। सॉल्व कैसे करना है जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो एक बार आप घर पे पूरे स्टेप्स के साथ करोगे तो आएगा जरूर, ठीक है। 8:30 हो गए, पता ही नहीं चला ये तो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था भाई, 13 कितने बच्चों का डाउट है, 16 कह रहे हो, मैं अगली क्लास डाउट नहीं लूंगा, मैं इसके वीडियो को देखता हूं, मेरे पास पड़ा होगा सिस्टम में अरेंज करके डाल दूंगा ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। यानी अगली क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम करने वाले हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इसका। अब जिस जिसका जो डाउट है वो बता दीजिएगा। कल 10 बजे, नहीं उसी पे करोगे, कोर्स के ऊपर करोगे, उसके लिए फिर मेरे को अलग से एक्टिवेट, 1 मिनट हो जाओ। या तो आप मेरे नंबर पे ही करना पेटीएम, ठीक है ना, कल 10 बजे तक कर, 10 बजे हो जाएगा एक्टिवेट कर। किसकी ईबीआईटी की, किस पे नहीं आ रही है, हाँ वो नहीं डाला अभी मैंने, वो डाल दूंगा आज, डाल दूंगा सारा ही डल जाएगा शुरू से एंड तक का। हाँ जी जितने बच्चे लाइव में हैं बता दीजिए आप लोगों के डाउट, जो पूछ रहे थे हैंड रेस करके, किसी का डाउट है तो। सचिन कहता है सर प्लान सी का 8K नेगेटिव होगा ना, क्वेश्चन 11 में, क्वेश्चन 11 में साक्षी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं क्या पूछ रहे हो मुझे। एट के नेगेटिव कैसे हो सकता है, माइनस ही है 8K, तो सी का 8000 नेगेटिव माइनस है, हाँ माइनस किया है मैंने, FBEP, नहीं वो 8 ही रहेगा। हाँ 16 का मैंने कहा ना, मैंने कर रखा है, मैं सॉल्यूशन ढूंढ के डाल दूंगा। यस साक्षी बताइए, वॉइस आ रही है साक्षी आपको? हेलो, हाँ साक्षी बोलिए। सर इसमें 8 दिखाना चाहिए ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो है ही नहीं। नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ ये मैंने बताया था, जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है इंटरेस्ट भी होगा और प्लस पीडी। तो जहां इंटरेस्ट है वहां इंटरेस्ट ले लो, जहां पीडी है सिर्फ पीडी ले लो, जहां दोनों है वहां दोनों ले लो। ओके सर, ओके। यस सचिन। सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड है वो मतलब क्या बताना, मतलब क्या समझाता है कि हमारा फाइनेंस मतलब कर्जे से कितना हमें, मैं वही कह रहा हूं कि अगला जब हम पॉइंट करेंगे ना तो वहां पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहता है कि वो पॉइंट बताइए जहां पे हमारा फाइनेंस मतलब के ब्याज से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड खर्चा कितना हो रहा है, ये बताना है। तो यहाँ पे दो ही एक्सपेंस है ऐसा फिक्स, एक था इंटरेस्ट और एक होता है पीडी जो कि हमें देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो वो बताना था हमें, मतलब कितना हमें पेमेंट देनी है जो हर साल का, चाहे जो फाइनेंशियल, फाइनेंस का मतलब जब भी आएगा ना तो लोन, डिबेंचर, यही चीजें होती है। तो इसके अंदर ये रहता है कि कितना पैसा हमें देना है। तो देने की बात आ रही है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स होता है, आपको देना ही देना पड़ता है, और इंटरेस्ट भी फिक्स होता है कि देना ही देना पड़ता है। तो इसलिए दोनों को जोड़ के बस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बना दिया गया है। वैसे बहुत रेयर होता है कि एग्जाम में बस पूछ लिया जाए 1 नंबर 2 नंबर में, तो सिंपली सारे इंटरेस्ट और डिविडेंड को जोड़ के हम आंसर दे देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर जो पहला क्वेश्चन आपने कराया था जिसमें 3 प्लान थे और 2 ऑप्शन थे, ये रहा। हाँ जी सर, हाँ हाँ बताइए। इसमें तो इसमें सर मतलब ये जो प्लान ए है उसमें 2 ऑप्शन से हम अगर EBIT दी होता तो ऑप्शन नहीं दे रखे होते, 2 एक ही ऑप्शन होता। हाँ, फिर नहीं देता, फिर नहीं देता। इसलिए दिया इन्होंने ताकि हम यहाँ से EBIT फाइंड करें हर केस का, तीनों के। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर आप 11 में देखोगे तो ये रहा, यहाँ पे भी बन सकता था लेकिन क्योंकि यहाँ EBIT दे दिया क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, तो दैट्स वाई उसने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 नहीं दिया इंडिफरेंस के लिए। अगर EBIT नहीं देता तो ऑप्शन 1, 2 देता इस क्वेश्चन में, 2 दे देता, बिल्कुल देता, जिससे कि हमें EBIT कोई ना कोई आपको क्लू देगा जहां से आप निकाल पाओ। ठीक है, थैंक यू। ओके, सर 9th क्वेश्चन में EBIT निकालना होगा। 9 क्वेश्चन कहां से आ गया? क्वेश्चन 9 मैं देख लेता हूं, मेरे पास भी ओपन होगा यहाँ। वो रिपीट क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, तो रिपीटेड होगा वो, छोड़ दो उसे। फिर हम हाँ रिपीट होगा वो, छोड़ देना फिर उसे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर। अभी भी किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, और जो 2-3 क्वेश्चन बच गए उसका हम आगे मैं वीडियो डाल दूंगा अरेंज करके, मेरे पास पड़ा होगा, एक बार देख के फोल्डर अपडेट करवा दूंगा आपको मैं। क्वेश्चन 11 का इंडिफरेंस पॉइंट B and C। B and C का देख लीजिए क्या आ रहा है, 32,000 आ रहा है। B and C का आंसर निकाला है बच्चों ने, तो सिंपल B और C का ले लो। B का फाइनेंशियल प्लान ले लो, यहाँ पे देखो आपके सामने B और C है, तो वहां पे आपके जो जो लोन है B और C में क्या आएगा? B में आपका एक जगह पे आ जाएगा इंटरेस्ट और एक जगह पे आ जाएगा पीडी, बस कहानी ये रहेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है।